हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोड स्टफ की एक और प्यारी सी वीडियो में। आपका दोस्त रुद्रा रुद्रांश। तो यार, आज की वीडियो में हम कोई गेम प्ले नहीं लेके आए हैं, ना ही मैं कोई मोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो जो है ना, वो बहुत खास होने वाली है। कुछ इसलिए भी क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि 5 मस्ट टूल्स जो आपके पास होने चाहिए अगर आप लोग GTA 5 में मोडिंग करते हो, GTA 5 के गेम प्लेज बनाते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जो टूल है वो है आपका GTA 5, जो है वो मोडेड होना चाहिए सभी टूल्स इंस्टॉल करने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं टूल्स पे। तो पहला जो टूल है वो है OpenIV। ये आपको हेल्प करेगा अपने GTA 5 को मोड करने में, उन फाइल्स को एक्सेस करने में जो आप लोग नॉर्मली नहीं कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टूल की तरफ। तो वो है आपका मेन्यू, जो कि हर बंदा मेरे हिसाब से यूज करता होगा। अगर नहीं करते हो तो यार करो, क्योंकि ये आपको स्टोरीज क्रिएट करने में हेल्प करेगा, व्हीकल स्पॉन करने में, पैड स्पॉन करने में, बहुत सी चीजें करने में मेन्यू ट्रेनर जो है वो आपकी हेल्प करेगा। इससे आप लोग मेंशंस भी लोड कर सकते हो, अपने खुद के मेंशन मोड बना सकते हो आप लोग। थर्ड टूल की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका मैप एडिटर, जो कि ऑल्सो GTA 5 के अंदर ही इंस्टॉल्ड रहता है और अंदर ही हम लोग एक्सेस करते हैं। तो मैप एडिटर में आप लोग सिंपली मैप्स को लोड कर सकते हो और अपने नए मैप्स को क्रिएट कर सकते हो GTA 5 की जो प्रॉप्स होती हैं उनका यूज करके। तो ये दोनों हमारे इंटरनल थे। अब हम लोग एक्सटर्नल्स पे बात करते हैं। जैसे हमारा OpenIV था, यानी OpenIV था, तो जो हमारा फोर्थ नंबर का जो टूल या फिर सॉफ्टवेयर है वो हम लोग देखें तो वो है आपका कोड वोकर। जी हाँ, कोड वोकर। और ये सारे टूल्स थे ना अब तक, ये सभी फ्री थे। कोड वोकर भी फ्री है, लेकिन जो हमारा फिफ्थ टूल है वो पेड है। लेकिन अब आगे आप समझदार हो, लेकिन हम बात करेंगे फिफ्थ टूल पे, आने दो पहले। फोर्थ टूल जो कोड वोकर है ना, ये सिंपली आपको एक कैमरा व्यू देता है अपने पूरे GTA 5 का। आप लोग अपने पूरे GTA 5 को बिना ओपन किए उसके अंदर घूम सकते हो, उसे देख सकते हो, विजिट कर सकते हो पूरी सिटी को। और जो मैप आपको चाहिए ना, उस मैप को, उस हाउस को, उस बिल्डिंग को आप लोग वहां से पिक कर सकते हो और उसके बाद अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसे एडिट कर सकते हो। तो ये आपको एडवांटेज देता है कोड वोकर। और इसके अलावा व्हीकल्स को अनलॉक करने की भी मदद करता है कोड वोकर। इसके अलावा एक और एडवांटेज आपको मिलती है कोड वोकर से, वो ये है कि आप अपने व्हीकल्स को अनलॉक कर सकते हो। जो डिफॉल्ट व्हीकल्स आप लोग डाउनलोड करते हो ना, वो बाय डिफॉल्ट लॉक रहते हैं, लेकिन उनको आप अनलॉक कर सकते हो कोड वोकर की हेल्प से। अब अगर हम अपने लास्ट टूल की बात करें, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है हमारा Z Modeler 3। आप लोग Z Modeler 3 का यूज कर सकते हो अपने व्हीकल्स को एडिट करने के लिए। अपने व्हीकल्स को किसी भी लेवल तक आप लोग एडिट कर सकते हो, दो व्हीकल्स को मर्ज कर सकते हो, एक व्हीकल के कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें रिमूव करना है, आपको नहीं पसंद है आप रिमूव कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं इस चीज पे क्लास लेके आऊंगा, लेकिन हाँ, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये पेड है। बट आप समझदार हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स थे जो आपके पास मस्ट होने चाहिए अगर आप लोग GTA 5 में मोडिंग करते हो। ये इस सीरीज का हमारा फर्स्ट वीडियो था। इस सीरीज में हम लोग कम से कम 10 या 20 वीडियो तो लेके आएंगे, और बाकायदा इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, आपको एक ही जगह सभी वीडियोस मिल जाए। और यार, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी ऑल पे हिट कर लेना, ताकि आप लोग मेरी सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पा सको। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर अच्छी लगे तो कर दिया करो, ना लगे तो मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन हाँ, अगर अच्छी ना लगे ना, तो नीचे कमेंट जरूर किया करो कि भाई हमें इस वजह से वीडियो अच्छी नहीं लगी, या फिर आप लोग बताना कि कौन कौन ना ये सभी सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने तो इसी सोच के साथ बनाई थी। तो चलिए, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।